स्पेशल रिपोर्ट में बात देवभूमि यानी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का सामाजिक वातावरण आमतौर पर शांत माना जाता है और छिटपुट तौर पर छोटे मोटे अपराधों को छोड़ दें तो यहां संगीन अपराध कम ही सामने आते हैं। लेकिन अब देवभूमि में क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है और यहां भी आए दिन सनसनीखेज घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि देहरादून में संदिग्ध दशा में पति पत्नी के सड़े गले शव मिले, तो वहीं उधम सिंह नगर में भी सनसनीखेज वारदात सामने आई जहां अवैध संबंधों के शक में महिला पुरुष की हत्या कर दी गई। दोनों को नदी में कटे हुए अंग पाए गए हैं। देखिए देवभूमि में क्राइम क्लाइमेंस का पर आधारित ये रिपोर्ट। देवभूमि में क्राइम का नया ट्रेंड, दून में संदिग्ध दशा में सड़े गले मिले पति पत्नी के शव, लाशों के बीच जीवित मिला नवजात। उधम सिंह नगर में भी सनसनीखेज वारदात, महिला पुरुष के नदी में मिले अंग, अवैध संबंधों में महिला पुरुष की हुई हत्या। देहरादून के क्लेम टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में संदिग्ध दशा में पति पत्नी के करीब 3 दिन पुराने शव मिले। हैरान करने वाली बात यह है कि शवों के बीच में दंपत्ति का नवजात बच्चा लेटा था। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नागल सहारनपुर निवासी काशिफ राजधानी के टर्नर रोड पर किराए के मकान में पत्नी अनम के साथ रहता था। उसकी अनम के साथ 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी गांव में रहती है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि दून के ही एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद अनम 8 जून को घर लौटी थी। काशिफ पहली पत्नी से रोजाना बात करता था, लेकिन 10 जून के बाद उसने कॉल नहीं की। चिंता होने पर मंगलवार को दूसरी पत्नी दून पहुंची। दरवाजा बंद था, कमरे से दुर्गंध आ रही थी। अनहोनी की आशंका पर महिला ने एक रिश्तेदार को मौके पर बुलाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दंपत्ति की सड़ी गली लाश जमीन पर पड़ी मिली। दोनों शवों के बीच 5 दिन का नवजात बेसुध लेटा था। क्लेम टाउन थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों की आत्महत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर थी देहरादून के एक सनसनीखेज घटना उधम सिंह नगर में हुई। बता दें कि 6 जून को थाना केलाखेड़ा में ग्राम रमपुरा जी निवासी परमजीत कौर ने एक तहरीर दी, यही कि उनकी बुआ जोगेंद्रो बाई जो खेतों के बीच एकांत में बने अपने घर पर अकेली रहती थी, 5 जून की रात से लापता है। जोगेंद्रो बाई अपने घर के आंगन में जिस चारपाई पर सोई थी, अगले दिन वो घर में नहीं मिली। चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। बहरहाल खोजने के दौरान नदी के अंदर से कुछ कपड़े और मानव अंग मिले, जिसमें 2 पैर एक कटा हुआ पंजा बरामद हुआ है। बरामद मानव अंगों में से 2 कटी हुई टांगे और कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त जोगेंद्रो बाई के रूप में हुई है। इसी बीच जानकारी मिली कि एक व्यक्ति गुरमीत सिंह निवासी ग्राम टुकड़ी बिछवा थाना नरक मट्टा उधम सिंह नगर पिछले काफी समय से ग्राम रमपुरा जी काजी में अपनी बेटी के ससुराल में रहा था, वो भी उसी समय से गुमशुदा है। वहीं पुत्र सोनू सिंह ने बौर नदी में बरामद मानव अंगों से कटे हुए पैरों के पंजे को देखकर उसे अपने पिता गुरमीत सिंह के होने का शक जाहिर किया है। इस प्रकार दूसरे मानव अंग की शिनाख्त गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। बरामद तीनों मानव अंगों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया गया है, साथ ही DNA सैंपल भी लिए गए हैं। दिनांक 7/6/2023 को जो केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक छोटा नदी बहती है, वहाँ पे गांव हमारा गुलाब का माजरा और कौन सा है वो रमपुरा काजी के बीच में, तो वहाँ पर कुछ मानव अंग दिखे गए। उससे पिछले एक दिन पहले हमारा जोगेंद्र कौर करके एक औरत है, वही रमपुरा काजी के रहने वाली, वो जो सुबह से मिसिंग थी, उसको केलाखेड़ा पुलिस ने शाम को ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। 7 तारीख को जब ये मानव अंग मिलने से बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गया है, एंड उसके बाद शाम तक ये भी पता चल गया कि भाई वो पैर के गांठ से और कपड़ों से आइडेंटिफाई हो गया थे, जोगेंद्र का है। तत्काल हमने 302 का मुकदमा लिख दिया था जोगेंद्र कौर पे, और विवेचना के दौरान हमने DNA टेस्ट को मिलान करने के लिए हमने जोगेंद्र कौर की बेटी का DNA टेस्ट की मिलान के लिए भेजा था। फिलहाल घटनाओं के पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शेष मानव अंगों की बरामदगी के लिए जल पुलिस, SDRF, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और SOG के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बोर नदी आसपास के सरहदी थाना क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया। CCTV कैमरे चेक किए गए, साथ ही गांव और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। बता दें कि गुमशुदा गुरमीत सिंह गुरदेव सिंह का ससुर था। गुरदेव सिंह और धर्मेंद्र सिंह घटना के बाद से गांव में दिखाई नहीं दिए। वो शव के घेरे में आए तो उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया। गुरदेव और धर्मेंद्र के मोबाइल नंबरों के CDR प्राप्त कर
विश्लेषण किया गया। वहीं बोर नदी के आसपास का डंप डेटा लिया गया। सीडीआर के विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर गुरदेव सिंह और धर्मेंद्र सिंह ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। 10:30 बजे के आसपास गए, बुआ थी, इसके खुद की बुआ थी वो, तो बुआ चलो एक मिनट खेत में चल के आते हैं, वहाँ पे कुछ दिखाना है तुमको करके, तो उसने गई और जैसे ही वह 4 कदम आगे चली फिर उसको भी गला घोट दिया इन दोनों ने। फिर दोनों गाड़ियाँ इकट्ठा करा, दोनों लोगों ने दोनों बॉडियाँ इकट्ठा करा पानी में बहाव में, पानी का लाश का बोझ हल्का हो जाता है, तो सीधे पानी रास्ते 1-2 किलोमीटर आगे चले, फिर बॉडी को किनारे करा और ये आरी पटल और क्या बोलते कुल्हाड़ी से कई सारे टुकड़े करे वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करके आगे। जो अदृष्ट बताया था हमको कुछ कुछ टुकड़े तो मिले और 6 दिन बाद भी हमको और कोई टुकड़े नहीं मिले हैं। इस प्रकार जो है ये घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मानव दिमाग का बर्बरता को भी दिखाता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे सीओ साहब को और SHO को मैं निर्देश दे रहा हूँ कि लगातार जो है कुछ वहाँ मतलब गुरुद्वारा और ऐसे संगठन हो गया सामाजिक संगठनों से मिल के वहाँ पर अवेयरनेस सेशंस चलाइए और वहाँ पे खुद भी जाइए और उस गांव में जो है ये सब क्राइम से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इस पूरी घटना में अवैध संबंधों का मामला सामने आया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।